वाराणसी की सबसे पहले बात करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत का बड़ा बयान आया है। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में काशी के महंत का बड़ा बयान। महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने मुस्लिमों को नमाज पढ़ने पर जताया एतराज। ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं का मंदिर है, कुलपति तिवारी का यह बयान आया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत का बड़ा बयान कि ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में काशी के महंत का यह बयान आया है। तिवारी ने मुस्लिमों को नमाज पढ़ने पर एतराज जता दिया है। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की बात कही जा रही थी और काशी की झलक कल देखने को मिली ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले को लेकर। वीडियोग्राफी चल रही है और आज दूसरा दिन है। इस वक्त हमारे साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी मौजूद हैं। इनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम पक्षकार लगातार विरोध कर रहा है कि मस्जिद परिसर के भीतर वीडियोग्राफी नहीं की जानी चाहिए, जबकि हिंदू पक्षकार ये चाहते हैं कि दरअसल वो मस्जिद नहीं, हिंदुओं के मंदिर का एक ढांचा है जिसे उजागर करने के लिए वीडियोग्राफी बेहद जरूरी है। तो बातचीत करते हैं। महंत जी, स्वागत है आपका जी मीडिया पर। ये बताइए कि किस तरीके से जो वीडियोग्राफी हो रही है उसका मुस्लिम पक्षकार क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, मुस्लिम पक्षकार इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उनके पास कोई तथ्य नहीं है, आधार नहीं है। वो जानते हैं कि अपनी जो है कमियां को छुपाने के लिए वो विरोध कर रहे हैं। महंत जी, ये बताइए कि मुसलमान जो गेट नंबर 4 से घुसकर कल नमाज अदा करने जा रहे थे उसका आप विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं आप? वो जो है इसलिए कि नमाज पढ़ने का एक नियम होता है, क्या नमाज पढ़ने का इनका विधान, 5 समय लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज हर समय नहीं पढ़ा जाता है। इनके ही कुरान में लिखा हुआ है कि हम 5 जो नियमी होते हैं, लेकिन कल इन्होंने जो है ईर्ष्या बस या अपनी जो है मजबूती या अपनी ताकत को दिखाने के लिए इन्होंने जो दुस्साहस किया है वो अशोभनीय है। हिंदुओं को कितना बल मिला है इस वीडियोग्राफी से? क्या कुछ उम्मीद जगी है कि मंदिर की जो बात कही जा रही है, श्रृंगार गौरी की जो बात की जा रही है, वो निकलकर सामने आएगी, न्याय होगा कुछ? श्रृंगार गौरी तो क्षमा करिएगा, बाबा मिश्राए तो मुसलमान भाई जानते ही है, वो तो जानते कि श्रृंगार गौरी हिंदुओं का मंदिर है, सनातनियों का मंदिर है, नवरात्र में उनके दर्शन का विधान है, अतः उसका विवाद करने का उनका उचित नहीं है। चलिए इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जयपाल और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। जयपाल, जिस तरह मस्जिद में जो नमाज पढ़ी जा रही है और कल काशी विश्वनाथ मंदिर के दरवाजे पर नमाज पढ़ी, अब उसके पूर्व महंत आपको बता दें कि नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, आप उन्हीं के पास हैं, लेकिन ये आवाज पहले क्यों नहीं मुखर की गई हिंदू पक्षों की तरफ से, और जो अब हो रही है जब वीडियोग्राफी हो रही है उसके बाद उम्मीद जगी है इसलिए ये आवाज मुखर हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए यही तो दिलचस्प बात है कि ये आवाज़ जो है वो पहले क्यों नहीं उठाई गई। तो इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हम महंत जी से सीधे बातचीत ही करते हैं। महंत जी, इस मामले में जो अभी आवाज़ उठाई जा रही है ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी का, इसके पहले ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई हिंदू पक्षकारों की तरफ से या बाकी महंत और विद्वानों की तरफ से? देखिए, ये आवाज़ कई बार उठाई गई, कई बार इसके फैसले हो चुके हैं, कई बार इसका जो है वो हो चुका है, मतलब जो आप कहते हैं कमीशन 38 में हुआ है, 42 में हुआ है, 26 में हुआ, 1926 में, लेकिन सब क्या फायदा हुआ? जब सोमनाथ व्यास थे, जब वो लड़ाई लड़ते थे, तब से ये चल रहा है मुकदमा। ये लड़ाई मुकदमा इस बार के हिंदू धार्मिक स्थल का है, ये बाबा विश्वनाथ के मंदिर का है, ये विश्वनाथ जी के मंदिर का है जिसके ऊपर ये ढांचा बना के जो है काबिज हुए हैं। इनका काबिज इलीगल है, ये गैर कानूनी है, इनको ये चाहिए कि स्वेच्छा से अपनी चीज़ को हटा दे, और न्यायपालिका अपनी जगह संविधान से देश चलता है और संविधान के अनुसार इनको अवरोध करने का कोई अधिकार नहीं है कि जब कोई न्यायालय आया है तो उसके जो है सम्मान का पालन करे। ये नहीं कि जब उनको मैं सर्वे व कमीशन नहीं हो रहा तो मैं मस्जिद में घुसने नहीं दूंगा। क्यों नहीं आप मस्जिद में घुसने देंगे? आप मेरे मंदिर में घुस जाएंगे तो मैं आपके मंदिर में नहीं घुसने दूंगा। ये आप शुचिता की बात करते हैं, आपकी कौन सी शुचिता है? आपकी शुचिता ये है कि आप जो है मंदिर के अंदर जाके नमाज पढ़ेंगे, आपकी शुचिता है उससे आपका आपका धर्म कहाँ है? आपके कुरान में लिखा हुआ है किसी भी मंदिर में या किसी जगह आप नमाज नहीं पढ़ सकते जहाँ वो आपको अल्लाह को कबूल नहीं होगा। तो आपको जब सारी चीज़ें मालूम है, आप विवाद खड़ा करके रखे हुए क्योंकि आपको ये मालूम है जब कि काशी में, अयोध्या में, मथुरा में
तीनों जगह आपका अवैध कब्जा है, तो उस कब्जे को बरकरार करने के लिए आपने जयपाल जयपाल कुलपति तिवारी जी से जरा ये सवाल पूछिएगा, क्योंकि जब मामला कोर्ट में चलता है, कई बार जब जमीन की बात आती है, जब कोई विवाद होता है, अक्सर ये माना जाता है जयपाल समझौता हो जाता है दो पक्षों में, तो इसके लिए कभी आपसी भाईचारे से समझौते की कोई पहल की गई किसी भी पक्ष की तरफ से? चिन्ह बने हुए, आकृति बनी है, कलाकृति बनी हुई है, प्राचीन काल की बनी हुई है, आज का नहीं बना हुआ है। आप कब से आए, आप ये तो साबित करिए, आप मस्जिद में कब से आए, कब मस्जिद आप बनाए हैं, और किस पूर्वज ने आपके, किस राजा ने? आप लोग तो विध्वंसक थे, आप लोगों ने तो केवल मंदिरों को तोड़ा है, मंदिरों को तो आपने निर्माण कोई कार्य नहीं किया है, आप तो माधव राज के धरारा तक जाके राम वहां भी जाके चढ़ के आप जो है तोड़ने लगे। आपका विशुद्ध रूप से काम था हिंदू धर्म के पतन, लेकिन भगवान शंकर की नगरी है, बाबा की नगरी है, बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, वो विश्वनाथ मंदिर को छोड़ दें और अपना अन्यत्र कहीं चले जाए। लेकिन जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के लोग हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब से मस्जिद बनी है तभी से वहां पे लोग नमाज अदा करते हैं, यहाँ कोई मंदिर था ही नहीं। वो झूठ बोलते हैं, अगर उनके पास प्रमाण है रखिए, मेरे पास प्रमाण मैं रखता हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मैं रखता हूँ, मैं पुराने अंग्रेजों के समय का जो है नक्शा रखता हूँ, हम सब कुछ रखने को तैयार है, 1858 का मैं तस्वीर रख रहा हूँ, ये बतावें इनके मस्जिद में कौन जो है नमाज पढ़ता था, कब नमाज पढ़ते, ये तो बतावें। आपके आपने इतिहास देखा है, आपका इतिहास पुराना नहीं है, आपका इतिहास 1500 साल पुराना है, हमारा इतिहास हजारों हजारों साल का है, अगर आप उसको देखिए तो आप जो कर रहे हो जबरदस्ती आप बतिया रहे, क्योंकि आपकी जो कमेटी है वो जो है विस्तृत रूप से अधर्म की तरफ जा रही है, आप देश के अंदर हिंसा की राजनीति करने में, आप जो है सरकार को बदनाम कर रहे हो, काशी वासियों की मर्यादा गंगा जमुनी संस्कृति जो है उसको आप विस्तृत रूप से नष्ट करने के लिए आप ये प्रयास कर रहे हैं जो गलत है। जी बिल्कुल जयपाल, जयपाल जरा पूछिएगा कुलपति तिवारी जी से, कुलपति तिवारी जी से पूछे कि कई बार, क्योंकि जब मामला जब जमीन का विवाद का होता है तो कई बार दो पक्ष बैठकर बातचीत भी कर लेते हैं, तो क्या कभी पहल की गई हिंदू पक्ष की तरफ से या मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसको लेकर, इस विवाद को लेकर? लगता है जयपाल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो आपने सुना कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का विवाद, और उस पर पूर्व महंत कुलपति तिवारी जिन्होंने खुलकर बोला कि कोई दावा जो दावा किया जा रहा है वो गलत दावा किया जा रहा है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से वहां कोई मस्जिद नहीं थी, उनके पास सारे सबूत हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके पास उस समय का भी नक्शा बताया कि जो अंग्रेजों के जमाने का था।